ये कैसी दुनिया है, ये कैसा करिश्मा है, कैसा है ये उल्टी दुनिया का गहरा रहस्य। तक आज है देख रहे आप, नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप सोच रहे होंगे मैं उल्टा बोल क्यों रही हूँ, उल्टा दिख क्यों रही हूँ, उल्टा चल क्यों रही हूँ, क्योंकि आज जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है वो उल्टा है। वहां धाराएं उल्टी हैं, वहां बातें उल्टी हैं, लेकिन धरती पर इस तरह के रहस्य क्या है ये सुलझाइए हमारे साथ आज इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर। क्या कभी सुना है कि पानी की धाराएं उल्टी बह सकती हैं? क्या कभी देखा है बिना किसी मशीनी मदद के पाताल का पानी पहाड़ी पर चढ़ सकता है? क्या कभी आपने खुली आंखों से विज्ञान के हर नियम को टूटते देखा है? अगर नहीं तो अगले कुछ पल में आपका सारा भ्रम टूट जाएगा। पानी विपरीत दिशा में भी बहेगा और बिना किसी ट्रिक के पाताल से निकलकर पहाड़ की चढ़ाई पर भी चढ़ेगा। उल्टी चाल, उल्टी बात, उल्टी रीत, उल्टी सोच, सब कुछ उल्टा, लेकिन उल्टा पानी न दुनिया में कहीं किसी ने सुना न किसी ने देखा, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में इस जगह पर पहले हमें बोर्ड नजर आया और अब ये उल्टा पानी नजर आ रहा है। जहाँ पर चढ़ाई उस ओर है आप देख रहे हैं और पानी भी उस ओर बह रहा है, ये कैसे मुमकिन? कुदरत की अद्भुत रहस्यमयी धाराओं का रहस्य समझने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम पहुंची छत्तीसगढ़ के सरगुजा। प्रकृति के विपरीत हो रही इस क्रिया में एक और आश्चर्यजनक बात है। कार न्यूट्रल गियर पर होने के बाद ऊंचाई की ओर धीरे धीरे नहीं अच्छी खासी गति में आगे बढ़ती है। करीब 100 मीटर तक कार चढ़ाई चढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई नीचे से ऊपर करीब 5 फीट, कुछ कुछ ऐसी। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के दौरान कार को नहीं रोका गया तो यह अनियंत्रित होकर पलट जाएगी। कई बार ऐसा हो चुका है। जो बातें विज्ञान के तर्कों पर नहीं टिकती उसे ही दुनिया कुदरत का करिश्मा कहती है, और मैनपाट की पहाड़ियों पर ऐसी घटनाएं विज्ञान के लिए अद्भुत पहेली बनी हुई है। लेकिन क्या सच में विज्ञान के पास उल्टा पानी और अद्भुत सड़क का जवाब नहीं है? इस सच को जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो एक नया सिरा हमारे हाथ लगा। हमें पता चला कि उल्टा पानी से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां जमीन पर अद्भुत करिश्मा हो रहा है। यहां पर इंसान जैसे ही उछलता है जमीन उसे स्प्रिंग की तरह और ऊपर उछाल देती है। अद्भुत ये है कि यहां पर पांव तले जमीन हिल रही है। ये जानकारी मिलते ही हमें लगा हो न हो उल्टा पानी के रहस्य का कोई ना कोई सिरा तो जरूर इस जमीन से जुड़ा होगा। लिहाजा हम चल पड़े उस रहस्यमयी जमीन की ओर। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं, कुछ को हम सुलझा भी पाते हैं विज्ञान की मदद से। इन तीनों रहस्यों की गहराई में जाने के लिए हमने भूवैज्ञानिकों से संपर्क साधा। जलजली जमीन को लेकर जो उनकी थ्योरी है, आइए हम पहले वो समझते हैं। पहली थ्योरी यह है कि जलजली के आसपास जल स्रोत हैं जो समय के साथ ऊपर से सूख गए और अंदर जमीन दलदली रह गई। दूसरा, ये एक टेक्निकल टर्म लिक्विफैक्शन का उदाहरण है। वैज्ञानिकों के अनुसार लिक्विफैक्शन ये इशारा करता है कि यहाँ भूकंप जैसा प्रभाव भी आ सकता है। 1997 में जबलपुर में भूकंप आने के बाद होशंगाबाद नर्मदा के क्षेत्र में ऐसे दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ था। जमीन स्पॉन्जी है, जमीन ऊपर नीचे हो सकती है, वो वेव के अनुरूप हो सकती है, और ऐसे जगह हैं सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, दुनिया में भी ऐसे जगह हैं, समुद्र में भी ऐसे जगह हैं, और समुद्र में जो जगह है वो पूरी तरह से फ्लोटिंग आइलैंड है। तो जितने फ्लोटिंग आइलैंड है उसके ऊपर में भी ऐसी घटना होती है। ऐसा इसलिए होता है कि नीचे का जो भाग होता है वो दलदली होता है, उसमें कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में पानी सीप करके आ चुका है और वह आसानी से 20-25 मीटर के पूरे लैंड को वो सपोर्ट करने का काम करता है, तो वो लैंड आसानी से उसके अनुरूप ऊपर नीचे जा सकता है। मैनपाट की जमीन में पानी का स्तर जितना है उसे देखकर ये तर्क लाजमी है। तो क्या उल्टा पानी का रहस्य भी यहीं से सुलझता है?
किसी भी समय कभी भी भूकंप आया होगा या किसी स्थान पर कोई दरार पड़ी होगी तो उसके आसपास के नदी का पानी है वो नीचे में सीप करके चला जाता है। अब अगर नीचे में पानी सीप करके चला गया और नीचे पानी को निकलने की फिर जगह बाद में नहीं मिली तो नीचे पानी रह जाता है, ऊपर की जमीन भी रह जाती है। ऊपर की जमीन इतनी पानी इतना नहीं होता कि जमीन गीली हो पाए तो उसके ऊपर में जमीन लगभग ठहरी हुई दिखती है और वो पानी के ऊपर में लगभग तैरते हुए दिखती है, तो इसके लिए ऊपर में स्पॉन्जी हो जाता है, आसानी से ऊपर नीचे वो जा सकता है। तस्वीर में हम लोगों ने गेंद डाली यहाँ से तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी गेंद डाली यहाँ से भी ये ऊपर की ओर जा रहा है, इस स्थान पर यहाँ से डाली तो यह भी ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ भी डालेंगे तो ये भी ऊपर की ओर जाएगा। ये देखने पड़ेगा कि सारी गेंदें ऊपर की ओर जा रही हैं, सारे बॉल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है किसकी, देखिए तस्वीर कैसे आती है, इस रूप में आती है। इसके ओरिएंटेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया तो अब आप देखेंगे कि सारी गेंदें ढलान से ही नीचे की ओर उतर रही हैं, कोई ढलान के ऊपर में नहीं जा रही है, तभी ऐसी स्थिति यहाँ पर आ पाती है। तो ये एंटी ग्रेविटी इल्यूशन है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति मिलती है, इसका सबसे बड़ा शोकेस है या सबसे बड़ा इसका द्योतक है, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि वहाँ पर गाड़ियाँ भी लोग लेकर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी ढलान के ऊपर की ओर जा रही है और न्यूट्रल गियर में भी जा रही है। वास्तविक रूप में वो ग्रेविटी से नीचे की ओर जाती है, लेकिन आस पास के जितने भी वातावरण है जो दृश्य है उसके अनुरूप उन्हें लगता है कि वो ऊपर की ओर जा रही है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और होता है एक अंतिम छोर, पर क्या हम उस अंतिम सिरे को, उस छोर को पकड़ पाते हैं, जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, वही किसी चीज को कुछ और अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बना देता है।